तो ये कॉकटेल ने दिए हैं बच्चे, ओ बच्चे कह रहे हो अंडे दिए इनके, अंडे आज चेक करते हैं कि पहले ये इनको बाहर निकाल लेते हैं। और अब ये इसका डब्बा, इसमें मुझे लगता है इन्होंने अंडे दिए हुए हैं, तो इनके अंडे चेक करते हैं तो बच्चे बुच्चे बने हैं या नहीं। अभी अंदर लेके जाता हूँ कैमरा, तो ये कैमरा अंदर भेजते हैं। तो इसके अंदर 3 अंडे हैं, तो इनको चेक करते हैं। एक इसमें रख लेते हैं, ये 2 और ये 3 अंडा, और इसमें देखते हैं कि नहीं। इसके अंदर 3 ही हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। तो अभी हम लोग इनको चेक करते हैं कि ये फर्टाइल हैं कि नॉन फर्टाइल हैं। तो ये दूसरा फ़ोन है, तो मैं इस वाले फ़ोन में चेक करता हूँ। लाइट ऑन कर लेते हैं, तो इनका टेस्ट करते हैं कि ये फर्टाइल हैं कि नहीं। तो इसकी हम लोग लाइट ऑन करेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन यहाँ पर रख लेते हैं कहीं पर। रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन मैंने ये रख दिया, तो क्योंकि इधर को कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं, मैं अकेला हूँ। ओ ये देखो, ये अंडा गिर गया था। तो यहाँ पे अब लोग हम चेक करते हैं कि ये फर्टाइल है कि नहीं। तो आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए इसमें से साफ लाइट गुजरी है और ये डैमेज हो चुका है, ये देखें। क्योंकि ये इसके अंदर जमा, अगर जमा ना होता तो ये रेड कलर का इसका होना था। ऐसे करके अब हम देखते हैं पहले, ये देखें। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब ये चेक करते हैं दूसरा, ये देखें, आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा फ़र्क इसमें, ये देखें। ये देखें कुछ, ये सेट ही नहीं हो रहा, अंडा इधर उधर भागी जा रहा है। ये देखें, इसको मैं पकड़ता हूँ अच्छे तरह से और यहाँ पे रखते हैं लाइट के ऊपर। ये देखें, आधा ग्रीन है और आधा ये अंदर से वाइट है। तो ये दो मुझे क्लियर नज़र आ रहे थे। और ये वाला जो अंडा है, मुझे लगता है ये वाला इन्होंने फ्रेश दिया है। तो ये देखिए सारा ही रेड है और ये फर्टाइल है। ये देखें इसके अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा अंडा घूमता हुआ। तो इसको हम लोग रख देते हैं, तो इसको हम लोग चेक करेंगे 2-4-5 दिन के बाद। तो इसको मैं अंदर रख रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ एक ही। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक इसको मैंने अंदर रख दिया। तो इसके अंदर वो बुरसी भी नहीं है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो किसी लकड़ी वाले से मैं लेके आऊँगा, इसको सीधा कर देते हैं। तो पहले ये 2 अंडे हम लोग, इसकी लाइट मैं बंद कर दूँ, तो इसको मैं पॉकेट में डाल लेता हूँ। तो ये 2 अंडे हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि ये हमारे फर्टाइल है कि नहीं फर्टाइल। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको रखते हैं यहाँ पे और एक अंडा हम लोग तोड़ते हैं, ये देखें। ये देखें अंदर से बिल्कुल खाली है, इसमें बच्चा ही नहीं बना। और दूसरा ये देखें इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल अंदर से ब्लैक हो गया, इसका मतलब कि ये अंडा भी ख़राब है, ये देखें। तो 2 अंडे ख़राब थे, तो एक बिल्कुल क्लियर है। तो इनका ये मैं पानी और दाना यहाँ पे वापस रख देता हूँ, ये देखें, इसको बंद कर देते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगली आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग गए थे, कल गए थे एक मार्बल फैक्ट्री में, तो मैंने आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर की थी कैसे वहां पे टाइल बनती हैं, किस साइज़ की हैं, क्या क्या कलर हैं उनके पास। तो ऑर्डर हम लोगों ने दिया था 600 टाइल का ऑर्डर दिया था। तो उन्होंने हमें कहा था कि एक दिन छोड़ के अगले दिन शाम को आएगी। तो फिर उनका वो रिक्शे का कोई मसला बन गया, उनके पास कोई ऑटो नहीं था तो वो इसलिए आई नहीं। तो अभी आज सुबह हमारे पास उन्होंने कहा था 8-9 बजे पहुँचेंगी, तो तकरीबन
हमारे पास ये अभी 11 बजे फ़ोन आया है तो बंदा पहुंचने वाला है, तो जो टाइल्स आती हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हम लोगों ने कौन सी ऑर्डर की थी हमारे पास आ गई हैं, उसको घर में यहाँ पे रखवाते हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह जो मिस्त्री साहब हैं वो उन्होंने आज नहीं आना, तो वो उन्होंने कहा कि वो कल आएंगे, किसी को वो पहले काम शाम कर रहे हैं तो वो उनका आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कल से काम स्टार्ट होगा। तो तकरीबन ये एक दिन का ही काम है, तो एक दिन के अंदर ये सारी लग जाएंगी। तो अभी बंदा पहुंचने वाला है तो टाइलें उतरवाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अच्छी 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 वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो अभी देखते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूं। और फाइनली ये टाइल्स आ गई हैं तो मैं आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये बॉर्डर वाली ब्लैक है, तो जो हमने लोगों ने बॉर्डर साइडों पे लगाना है, एक टाइल के बाद बॉर्डर लगेगा, उसके बाद ये सारी टाइल्स हैं। तो अभी ये उतार रहे हैं, उसके बाद जब घर जाके उतारते हैं तो मैं आपको कोई एक इनमें से वाश करके दिखाता हूँ। और ये बॉर्डर भी एक वाश करते हैं, इसका कौन सा कलर है। तो ये सारी उन्होंने एक ही बार में ले आए हैं, मुझे लगा था एक ही बार में नहीं आएगी क्योंकि 600 क्वान्टिटी में ज़्यादा लग रही थी, लेकिन क्योंकि ये 2 फुट की है इसलिए ये ले आए हैं इसके अंदर एक बार ही। तो अभी ये अंदर उतारते हैं, देखते हैं कहाँ पर रखनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जगह सेट की हुई है, तो क्योंकि अभी सारा काम शाम हो रहा है तो हम लोगों ने कहा यहीं पे रख दें, क्योंकि बाकी जगह पे उधर से काम इधर इस साइड को करेंगे तो यहाँ पे एक साइड पे ये रखी जाएंगी। और बड़ी वाली इधर रख रहे हैं टाइल्स, और वो बॉर्डर वाली हम लोगों ने उस साइड पे रखी हुई हैं। और ये एक मैंने टाइल वाश की है, तो ये देखिए काफ़ी इसका अच्छा कलर है, और इसको ज़ेब्रा स्टाइल भी कहते हैं, और भी इसके कोई नाम हो सकते हैं। तो आप लोग कलर चेक कर रहे होंगे, ये एक जो वाश की है ये उसमें और बाकी सब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पे। तो ये सारी तकरीबन यहाँ पे आ गई हैं और ये बॉर्डर भी आ गया, तो तकरीबन रिक्शा में मेरे ख्याल ख़त्म ही होने वाली हैं टाइलें। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा काम रह गया और ये तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, 10-20 रह गई हैं, तो वो ये जल्दी जल्दी उतार रहे हैं। तो उसके बाद ये सारी हो जाती हैं, तो फिर इंशाल्लाह कल से हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। और ये तकरीबन सारी टाइलें हम लोगों ने उतार ली हैं, तो उन्होंने अपना रिक्शा भी रिवर्स कर लिया, तो उनको मैंने कहा पहले बोतल शोतल पिला दें और ये गेट शेड बंद कर दें अंदर से,